होके दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, यहाँ पे तो हम सब अपने हैं, यहाँ पे हमारा कोई दुश्मन नहीं है। एक और मैं बात कहना चाहूंगा आपसे, ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनता है कोई 100% उसको वोट नहीं देता है। हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ अपने फायदे होते हैं, ये एक जिंदगी में स्वभाव हम सबका है। मेरे लिए या हमारी पंचायत जब बनेगी सबके लिए सब एक जैसे होंगे। मैंने सुना कोई सुना कि मैं अगर बनूंगा सरपंच, कोई बता रहा था कि मैं एक SPO बाहर लगाऊंगा, जो मेरा आदमी होगा उसके लिए टाइम होगा, जो मेरा आदमी नहीं होगा उसको बोलूंगा सरपंच के पास टाइम नहीं है, वापस चले जाओ। ये इसको बोलते हैं गरूर। मोदी जी ने संसद में खड़ा होकर बोला था, बोला मेरे को बोल रहे खड़े हो जा, अभी बोला खड़े होने वाले ना तो आप कोई खड़ा सकता है ना बिठा सकता है, खड़ा करने वाले भी जनता है और बिठाने वाले भी जनता है। गरूर किसी का कितना भी ऊंचा हो, कोई उसको कुछ नहीं, घमंड से कुछ नहीं मिलता। देने वाले आज जनता है, जिसको बिठाना चाहेगी उसको बिठा सकती है, जिसको साइड में उखाड़ना चाहेगी उखाड़ सकती है। इसलिए मैं फिर पुरजोर अपील करना चाहता हूँ आप सबसे कि जब भी आप वोट करेंगे अपने साथियों को समझाइए। मैं नहीं बोलता पॉलिटिकल किसको आप वोट करो, लेकिन हमें सोचना है जिसको मैं वोट कर रहा हूँ अगले 7-8 साल ये मेरा नेता के तौर पे बना रहेगा। गांव का नेता ही होता है, गांव का अगर आप पंच चुनते हो नेता अगले 7-8 साल के लिए, कुछ भी गांव की समस्या है वही समस्या आगे पंचायत तक उसको पहुँचाने का काम करता है। तो अपने पंच से लेकर सरपंच का जब आप चुनाव करोगे, जब वोट डालने जाओगे, अपने सोच समझ के अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना और वोट डालना है, और आप देखेंगे जब बदलाव आ जाएगा, हम सब बदलाव आएगा। जिसको थोड़ी सी आदत है इधर उधर का पैसा खाने का, उसके दिमाग में भी आ जाएगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। क्या हमारा ईमान इतना सस्ता है कि मैं एक वोटर के पीछे अपने ईमान को बेच सकता हूँ? क्या हमारा ईमान इतना सस्ता है कि मैं 5-7 हजार के लिए अपने ईमान को बेच दूंगा? अगर हमारा इतना सस्ता है तो हम अपने गांव का विकास नहीं कर सकते हैं, हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं, हम अपने बच्चों का विकास नहीं कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं आज की डेट में 5-7 हजार रुपया, मैंने कहा 18 हजार तो हमें गवर्नमेंट खाली एक जॉब कार्ड का देती है, उसके अलावा IHL, BRGF, CDF, FC 13, 14, 16, 17, 18, 19, वाटरशेड, एग्रीकल्चर, कई ऐसी स्कीमें 18 स्कीमें हैं जो अलग अलग स्कीमों के तहत पंचायत में पैसा आता है लेकिन लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंचता। क्या लोगों को पता ही नहीं स्कीम कौन सी है? मेरे को ये नहीं, मुझे मैं पूरा विश्वास कि जो मेंबर भी हमारे अभी तक जो 5 मेंबर रहे हैं मेरे को नहीं पता उनको 5-7 स्कीमों का कोई पता होगा कि उसका पैसा आने का तरीका क्या है। मैं कई दिनों से दो गांव में घूम रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3-3 साल से बाथरूम बना रखे बेचारे ने, उसका पैसा ही नहीं, बोले पैसे ही ना। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सीट लगाई थी एक दिन की दूसरी के लिए, दूसरे दिन उगाड़ दी गई और बाथरूम तैयार ही नहीं है, उसने पैसा भी निकाल लिया। तो ये जो अन्याय चल रहा है, इस अन्याय को हमने दूर करना है।